नमस्ते। आज हम बात करेंगे ऐसा एक शेयर के बारे में जो इन्वेस्टर को 10 गुना रिटर्न दे चुका है, वो भी 2 साल के अंदर। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया मार्ट की। तो पहले हम लोग इंडिया मार्ट के कुछ हाइलाइट्स के ऊपर नज़र रखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये स्टॉक हाल ही में क्यों गिर रहा है और ये रिकवरी के चांसेस कितना परसेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया मार्ट कंपनी इंडिया का पहला और सबसे बड़ा B2B कंपनी है जो कस्टमर टू कस्टमर डील करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका मार्केट कैप करीब 20,000 करोड़ का है, तो ये एक मिड कैप कंपनी है। 25,000 करोड़ क्रॉस करता है तो ये लार्ज कैप कंपनी बनेगा। इसका PE अभी दिखाई दे रहा है 73, जो थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन ROCE जो दिखाई दे रहा है 39%, जो एक अच्छा माना जाता है, और ROE 29%, जो भी एक अच्छा नंबर माना जाता है। इंडिया मार्ट एक ऐसा कंपनी है जो बायर से कभी चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन जो सेलर है उसे चार्ज करता है, तो ये एक शेयर होल्डर के लिए अच्छा संकेत है। और आप इसका बिजनेस के ऊपर नज़र रखेंगे तो कोई भी बिजनेस इसका 9% के ऊपर ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी ने उसको डाइवर्सिफाई किया है अपना बिजनेस को। आप इंडिया मार्ट का बिजनेस को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा जो ये बिजनेस करता है वो एंड टू एंड वैल्यू चेन डिस्कवरी बिजनेस करता है। तो ये कैसा होता है? सो बेस से लेके एंड प्रोडक्ट तक ये पूरा जो चेन सप्लाई है ये पूरा को हैंडल करता है इंडिया मार्ट। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है बिजनेस को ऊपर। इंडिया मार्ट का आप बायर्स और सप्लायर्स का आप बैलेंस तोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड किया है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में, टायर टू सिटीज़ में और रेस्ट ऑफ द इंडिया कैसे अच्छी तरह से इसने डाइवर्सिफाइड किया हुआ है, वैसे सप्लाई के ऊपर भी ये अप्लाई होता है। इंडिया मार्ट का प्रोडक्ट के ऊपर आप नज़र रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 72 मिलियन प्रोडक्ट लिस्टिंग है पेज में, लेकिन जो कैटेगरीज है वो 97,000 प्लस कैटेगरीज के अंदर ये डिवाइडेड है। और इसका आप सप्लाई चेन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन है, जो जिसमें से आपका 37% सप्लायर्स बायर्स भी है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। और इसका बहुत ही खास बात आप ये भी देख पा रहे हैं, जो आपका 57% इसका जो बायर्स है वो रिपीट है, जो ऑलमोस्ट 12.5 करोड़, तो बहुत एक ह्यूज अमाउंट हो जाता है कंपनी के लिए। और इंडिया मार्ट का जो एक बहुत ही एक पॉजिटिव बात है वो है इसका जो ट्रैफिक है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, क्योंकि इंडिया मार्ट इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पे ये खर्चा करता नहीं है, और करता भी है तो बहुत ही रेयर। तो इसका 100% बिजनेस ऑर्गेनिक ग्रोथ से बना हुआ है। इंडिया मार्ट का अंदर जितना भी क्लाइंट्स है, वो जो सब्सक्राइबर क्लाइंट्स है, वो ज़्यादातर जितना भी पैसा पे करते हैं वो बिफोर मंथ पे करते हैं, जो कंपनी को कैश फ्लो के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है। इंडिया मार्ट का आप सप्लाई स्टोर फ्रंट देखेंगे तो आप देखिए कितना हेल्दी तरीके से ये ग्रो हो रहा है। आप यहाँ पे ईयरली कंपेयर कर सकते हैं तो ये 1 मिलियन में है, जो 2.3 मिलियन जो 2016 में था वो अभी बढ़ के हो गया है 6.5 मिलियन। क्वार्टरली वाइज भी ग्रो हो रहा है और ईयरली वाइज भी ग्रो हो रहा है। इस स्लाइड के ऊपर आप देख पा रहे हैं जो पेइंग सब्सक्रिप्शन है, जो सप्लायर पे करते हैं उसका जो कितना जो नंबर है वहाँ यहाँ पे आप 1000 के ऊपर आप देख सकते हैं, जो 72,000 2016 में था अभी वो बढ़ के हो गया है 152,000, जो बहुत ही अच्छा एक हेल्दी ग्रोथ माना जाता है। लेकिन क्वार्टरली आप नज़र रखेंगे तो थोड़ा सा डाउन टर्न दिखाई दे रहा था 2020 में, लेकिन वो कोरोना पेंडेमिक के कारण वो हुआ था, वो हर कंपनी में हुआ था, लेकिन पूरा ओवरली आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है। अभी बात करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट एज वेल एज ईयर टू ईयर। तो आप ईयर टू ईयर रेवेन्यू में कंपेयर करेंगे तो 6% का ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो टोटल इनकम अभी रिसेंट क्वार्टर में किया है 190 करोड़, जो एक साल में थोड़ा सा स्लाइडली इंक्रीज दिखाई दे रहे हैं। और एक्सपेंस आप नज़र रखेंगे तो देखिए 94 करोड़, जो एक साल के अंदर बहुत कम किया है, तो अदर एक्सपेंस में भी कम किया है, मैन पावर में भी थोड़ा सा डिक्रीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी का जो इफेक्ट है आप नेट प्रॉफिट में देख पाएंगे, तो देखिए नेट प्रॉफिट अच्छा तरीके से थोड़ा सा ग्रो हुआ है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ है, तो ये पेंडेमिक के कारण ये इफेक्ट हुआ है। तो
लेकिन आप इंडिया मार्ट का जो रिजल्ट ईयरली कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कितना बड़ा उछाल आपको नजर आएगा। जो 2015 में 176 करोड़ था जिसका सेल, अभी वो बढ़ के हो गया 670 करोड़, और इसका नेट प्रॉफिट जो माइनस दिखाता था वो अभी हो गया है 280 करोड़ पॉजिटिव। इसी के कारण आपका इसका शेयर में इतना बड़ा जो 10 टाइम्स हाई आपको दिख रहा है। तो अभी बात करते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट होने के बावजूद भी ये कंपनी अभी क्यों गिर रहा है, तो इसके पीछे की रीज़न क्या है। तो आप स्क्रीन में जैसे कि देख पा रहे हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका रीज़न है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोमोटर्स ने हाल ही जिस क्वार्टर में उसने कुछ स्टेक सेल किया है, तो इसने ख़रीदा किसने है, ये जो स्टेक है वो ख़रीदा है FIS ने। हालांकि FIS जब खरीदता है अच्छा संकेत होता है, लेकिन जब प्रमोटर सेल करता है वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट होता है बाजार के अंदर, इसीलिए बाजार इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो 52% था प्रमोटर्स का, अभी हो गया है ऑलमोस्ट 49.85। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण बाजार ने इसको अच्छी तरह से पीटा और अभी वो दिख रहा है आपका जो डाउन रेट। अभी बात करते हैं कि कंपनी जो अभी नीचे गया है तो फिर से अपना ट्रैक ले पाएगा, यानी कि अपना रिकवरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो कुछ रीज़न है जिसके कारण ये रिकवरी हो सकता है। पहला, जो मार्केट ने एक्सपेक्टेशन किया था उससे ज़्यादा उसने बहुत ही अच्छा इसने ग्रोथ दिखाया है, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इसने उछाल आए हैं उसका नंबर के अंदर। इस कंपनी का जो अच्छा बात यह है, जो कस्टमर बेस है वो ऑलमोस्ट 12.5 करोड़ है, जो लगातार इंक्रीज होते जा रहा है, और इसका जो सप्लायर है वो करीब 62 लाख है, वो भी लगातार इंप्रूव होते जा रहा है। इससे पता चलता है कि ये बहुत आगे चल के बहुत ही अच्छा कंपनी बनने वाला है इस सेक्टर के अंदर। और एक जो खास बात है, आगे वह आने वाले 5 से 10 साल के अंदर इंडिया के अंदर 30-35% CAGR ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, तो ये बिजनेस आगे चल के अच्छे होने का चांसेस बहुत अच्छा नज़र आता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बहुत ही अच्छा है, तो कोई भी गिरावट आपको ये स्कोप देता है आपका हिस्सेदारी बढ़ाने को लेके। लेकिन आप अच्छी तरह से आपको रिसर्च कीजिए, वैल्यूएशन चेक कीजिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए इसको आपको लेना है या नहीं लेना है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।